कल की क्लास में हम ये जेई मेन ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे थे। 24 तक कंप्लीट हो गए थे, नेक्स्ट पेज पे पहुंच गए थे जो 21 नंबर पेज है, जिसमें क्वेश्चन थे 25 से 36। मैंने अपना डाउट पूछा था 36 नंबर में बोला था तीन इंडिपेंडेंट ट्रायल हैं, तो एन की वैल्यू 3 आएगी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी मान लेते हैं, और फेलियर की अपने आप कितनी हो जाएगी 1 माइनस पी। अब इसने बोला द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू सक्सेस, अगर दो सक्सेस चाहिए तो क्या होगा, 3C2 आएगा। मान लो डिसाइड हो गया यहाँ पर सक्सेस आ रही है और यहाँ पर सक्सेस आ रही है, तो यहाँ सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी पी है, यहाँ पर भी पी है, तो कितना आ जाएगा पी का स्केयर, यहाँ पर क्या होगा फेलियर होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस पी। इज 12 टाइम्स एज लार्ज एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेसेस। तो ये 12 टाइम्स है किसका, कि अगर तीनों जगह सक्सेस आ जाए, अगर तीनों सक्सेस होगा तो कितना आ जाएगा पी का क्यूब आ जाएगा, पी स्केयर, ये तो कटेगा 3 × 1 - p इक्वल टू 12 p, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, यहां से p निकाल लेंगे तो 1 - p इक्वल टू आ जाएगा 4 p, p की वैल्यू आ गई 1/5। पूछा क्या हमसे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज, तो वो 1/5। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को तो पूछ लो, नहीं तो नेक्स्ट डाउट बताओ कौन सा। 35 में हमें बोला गया है कि ओट्स इन फेवर ऑफ ए स्पीकिंग द ट्रूथ आर 1:2, तो ए के फेवर में सच बोलने के जो मतलब सच बोलने के फेवर में जो उसकी चांसेस हैं वो 1:2 हैं, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए ट्रूथ बोलेगा, 1/3 है, झूठ बोलने की अपने आप कितनी आ जाएगी 2/3। इसके बाद हमें बोला गया कि ओट्स अगेंस्ट बी स्पीकिंग द ट्रूथ आर, कि बी सच ना बोले मतलब बेसिकली झूठ बोले, उसके ओट्स दिए हुए हैं 1:3, तो बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 3/4। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बता देना, झूठ बोलने की होगी 1/4। अब बोला गया कि एक डाई थ्रो किया गया, ए और बी दोनों ने ये बात बोल दी कि डाइस पर क्या है 4 आया। अब हमसे पूछा हुआ कि अब उन्होंने बोला है 4 आया है, लेकिन एक्चुअली हो सकता है 4 आया हो सकता है ना आया हो, तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो एक्चुअली 4 आया हो, मतलब उन्होंने जो बोले स्टेटमेंट दिए वो सच हो। तो मैं अब क्या करूंगा, इसमें बेस थ्योरम लगाऊंगा। बेस थ्योरम में हम क्या करेंगे, पहले इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि कितने तरीके से ऐसा हो सकता है कि वो दोनों 4 बोल दें। अब जब हमने डाई थ्रो किया है तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। अब या तो क्या हुआ होगा, एक्चुअली 4 आया होगा डाई थ्रो करने के बाद, अब 4 आया, अब ए ने क्या बोला कि डाई पर 4 आया, इसका मतलब ए ने क्या सच क्या बोले, सच बोले। बी ने क्या बोले कि 4 आया, इसका मतलब बी ने भी सच बोले, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी लिख देंगे। अगर 4 आने की प्रोबेबिलिटी लिखें तो वो होगी 1/6। ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 3/4, इतना आ जाएगा प्लस। या फिर क्या होगा, इस डाई पर 4 नहीं आया होगा, अब 4 नहीं आया तो इनमें से कोई ना कोई तो आया होगा ना, जो बाकी बच गए 1, 2, 3, 5, 6, बाकियों के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/6 है। मान लो 1 आया है, 4 नहीं आया, 1 आया, अब डाई पर आया 1 था, ए ने क्या बोला है झूठ बोला है, बी ने भी क्या बोला है झूठ, तो इनकी झूठ वाली प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 × 1/4। लेकिन अब आया था 1, अब हमें इतना तो पता लग गया ए और बी ने झूठ बोला है, हमने उसकी प्रोबेबिलिटी तो मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन झूठ बोलने की भी अलग अलग तरीके हैं। झूठ बोलने का तरीका क्या क्या हो सकता है, कि वो बोल दें कि 2 आया है, वो बोल दें 3 आया, 4 आया, 5 आया या 6 आया, इनमें से अगर कोई भी नंबर बोल दें तो इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हम हमारे लिए कोई भी झूठ ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम झूठ काम कर देगा, हमें एक स्पेसिफिक झूठ बुलवाना है 4 नंबर वाला, हम ये चाहते हैं इन 5ों में से वो 4 वाला ही झूठ बोले, तो ये पर्टिकुलर 4 वाला झूठ बोलने के कितने चांस होंगे, 1/5। क्यों, क्योंकि 5 पॉसिबिलिटी है झूठ बोलने की, उनमें से एक काम की है, ये ए के लिए हुआ ऐसे ही बी के लिए हो जाएगा, तो ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी कि 4 आया था और इन दोनों ने सच बोल दिया 4 आया है। फिर हमने प्रोबेबिलिटी लिखी कि 4 नहीं आया था और इन्होंने झूठ बोल दिया कि 4 आया है, इतना काम हुआ, ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी आई। अब हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इन दोनों ने सच बोला था, तो जो सच वाली प्रोबेबिलिटी है वो ऊपर रख देंगे 1/6 × 1/3 × 3/4, इससे सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा 15/17। इसका मुझे आंसर पता ही है, मैंने करा हुआ है, तुम में से कोई डाउट पूछ के गया था। अब बताओ इसमें किसी को दिक्कत है तो कोई किसी स्टेप को।
राहुल कह रहे सर 29 में हमें कैसे पता कौन सा डिफेक्टिव है और कौन सा नहीं। बेटा वो जी का मतलब गुड कह रहे हैं और डी का मतलब डिफेक्टिव कह रहे हैं। ठीक है तो 35 हो गया सबका। और बताओ इस पेज पर अगर कोई डाउट बचा हुआ है तो। नहीं तो फिर अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है हो गए सबके। नेक्स्ट पेज पर डाउट्स हैं हमारे पास 37 से 49। इसमें जो जो डाउट हो मीत का है 44। 44 में हाँ मैं बोला है A child throws two fair dice if the number of numbers showing are unequal, he adds them together to get his final score. तो उसने दो डाई फेंके, तो x और y। अगर x और y अनइक्वल हुए तो वो क्या कर रहे हैं, इन दोनों का सम लिख दे रहे हैं x plus y। और आगे क्या बोले, ऑन द अदर हैंड इफ द नंबर शोइंग आर इक्वल ही थ्रोस टू मोर डाइस, तो अगर ये दोनों नंबर इक्वल आ जाएं तो वो दोबारा फिर डाई थ्रो करेगा, वहां पर फिर नंबर आएंगे कुछ, एंड एड्स ऑल द फोर नंबर्स शोइंग टू गेट हिज फाइनल स्कोर। अब इसमें क्या करेगा, वो चारों नंबर को ऐड कर देगा x plus y plus z plus w। अब हमें बोला गया द प्रोबेबिलिटी दैट हिज फाइनल स्कोर इज 6। हमें 6 की प्रोबेबिलिटी बतानी है कितनी आएगी। तो 6 कैसे कैसे आ सकते हैं, 6 या तो हमारे पास आ सकते हैं दो अनइक्वल नंबर्स का सम होके, जैसे 1 plus 5 होकर आ सकते हैं या फिर 2 plus 4 होकर आ सकते हैं। ठीक है दो अनइक्वल नंबर्स का तो यही पॉसिबिलिटी है। 1 प्लस 5 आने का मतलब क्या होगा, पहले डाइस पर 1 आना 1/6 प्रोबेबिलिटी इनटू 1/6 ये आ जाएगी। अब वो तुम्हें शुरू में ही डिसाइड करना है कि तुम अरेंजमेंट लेकर चल रहे हो या नहीं लेकर चल रहे। ठीक है जैसे मैं अरेंजमेंट लेकर चल रहा हूं तो मैं इनटू 2 कर दूंगा, तो पहले डाइस पर या रहने दो टुकड़ों में करा तो यही कर लो छोड़ो, यहां पर आ जाएगा 1/6 इंटू 1/6। ऐसे ही दूसरी डाइस पर 2 आने की, 1/6 इंटू 1/6 4 आने की। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हमारे पास इस तरीके से चार नंबर का सम जो है वो 6 आ जाए, तो x और y को तो हमने इक्वली माना हुआ है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 2x प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 6। अब यहां पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 आ जाए, या फिर क्या हो सकती है 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 आ जाए, या फिर 1 प्लस 1 प्लस 3 नहीं गलत लिख दिया क्या मैंने, प्लस अच्छा यहाँ पर गलती कर दी मैंने 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 आ जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है। या फिर ये हो सकता है अरेंजमेंट करनी पड़ेगी वैसे, ठीक है तो पहले दो पे 1 आ जाए फिर बाकी के दो जो थ्रो करें तो 1 प्लस 3 आ जाए, फिर 1+1 और 2+2 आ जाए। सर आपने 5,1 और 4,2 क्यों नहीं लिया, बच्चे वही है अगर मैं अरेंजमेंट करूंगा तो मैं इंटू 2 कर दूंगा, वो देख लेंगे ना अगर वो पूरे में अगर अरेंजमेंट करेंगे तो वो इंटू 2 कर देंगे बस अरेंजमेंट के लिए कि पहले 1 आया 5 आया। अगर अरेंजमेंट नहीं करनी होगी तो हर जगह ही नहीं करेंगे, उस तरीके से कर लेंगे। अगर करना चाहे तो ये ले इंटू 2 आ गया इंटू 2 आ गया, ठीक है ले इतना होगा। अब पहले डाइस पर 1-1 आएगा तो ये पॉसिबिलिटी होंगी। अब पहले जो दो डाइस हैं उन पे 2-2 भी आ सकते हैं, तो बाकी के दो पर क्या आ सकता है 1 और 1, तभी सम 6 आ पाएगा। तो तीन पॉसिबिलिटी ये आ जाएंगी। अब इसके लिए काम कर लो, पहले डाइस पर 1 आने का 1/6, दूसरे डाइस पर 1 आने का 1/6, फिर 1/6 इंटू 1/6 इंटू में आ जाएगा 2, ये 1-3 और 3-1 जो तुम कहना चाह रहे थे। यहां पर क्या होगा 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, और इसके लिए भी सेम आ जाएगा 1/6 की पावर 4। सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लेना आंसर आ जाएगा। अगर किसी ने यही किया था और आंसर नहीं आया तो बता दो, मैं फिर फिल्टी ओमिल का भी यहाँ पर थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो, लेकिन वो इतना बड़ा नंबर है नहीं कि हम करें। बाकी करना चाहो तो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जैसे तुम्हारे पास एक तरह से दो नंबर है, पहले तो हमें क्या चाहिए मतलब ये चार डब्बे आ गए, अब इन दो डब्बों पर जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी,
ठीक है, क्योंकि यहां पर जीरो आ सकता है, तो बाकी इन दोनों से ही सम सिक्स मिल जाएगा। इन दोनों पर जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगी, तो चार नंबर का सम हम सिक्स कर देंगे, लेकिन उसमें फिर हमें कुछ केसेस माइनस करने पड़ जाएंगे, बस करने को वो काम भी कर सकते हो। और बताओ इस पेज पर अगर कोई डाउट है तो। 37 to 49, प्रांशुल का है 48। 48 में हमें बोला है टू बसेस ए एंड बी आर शेड्यूल्ड टू अराइव एट ए टाउन सेंट्रल बस स्टेशन एट नून, द प्रोबेबिलिटी द बस ए विल बी लेट इज 1/5। ए के लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/5। द प्रोबेबिलिटी दैट बस बी विल बी लेट इज 7/25। द प्रोबेबिलिटी दैट द बस बी इज लेट गिवन दैट बस ए इज लेट इज 9/10। अब अगर ये हमें दिया हो कि बस ए लेट हो गई है और उसके बाद बस बी के लेट होने की, मतलब एक तरह से ये क्या कह रहे हैं, ये इसकी बात कर रहे हैं कि हमें ये तो पता है कि ए वाली बस लेट हो चुकी है, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि बी वाली बस भी लेट हो जाए, इस चीज की प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है 9/10। तो इसका हमें इसकी वैल्यू लिखनी आती है पी ए इंटरसेक्शन बी, अपॉन में आ जाएगा बी ए इक्वल टू 9/10। तो यहां से पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हम बता सकते हैं, वो आएगी 9/10 इंटू में आएगा पी ए, और पी ए कितने हैं 1/5। तो सोल्व कर कराकर ये तो आ जाएगा 9/50। ये तीनों वैल्यू आ गई अपने पास। अब फर्स्ट में हमसे पूछ रहे कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ दैट नाइदर बस विल बी लेट ऑन अ पर्टिकुलर डे, मतलब जो ए वाली बस है वो भी लेट नहीं होनी चाहिए, जो बी वाली बस है वो भी लेट नहीं होनी चाहिए, दोनों काम होने जरूरी है, तो क्या ले लेंगे इंटरसेक्शन। तो ये हम जानते हैं कितना होता है 1 - PA union B का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे। सॉरी एक चीज लिखनी पड़ेगी, या तो वो लिख लो या वो लिख लो, इसको हम लिख सकते हैं PA union B का कॉम्प्लीमेंट, मतलब 1 - PA union B। तो 1 - इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ऊपर सबकी वैल्यू जानते हैं, पी ए की वैल्यू जानते हैं, पी बी की वैल्यू जानते हैं, और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वैल्यू पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। सेकंड में हमसे क्या बोले, बस ए इज लेट गिवन दैट बस बी इज लेट। अब ये तो हमें दे ही दिया कि बस ए बी लेट है और इस बात की प्रोबेबिलिटी कि बस ए भी लेट है, तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी है अपने पास, पी बी है, वैल्यू पुट कर देना, वहां से आंसर आ जाएगा। तो तरीका तो ये होगा, अब किसी ने ये मेथड एज इट इज अप्लाई किया हो, आंसर ना आया हो तो वो बता दो, अगर तुम्हें लग रहा है आंसर गलत है तो कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि ए का लेट होना और बी का लेट होना ये दोनों इवेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। हालांकि हमें सोचने में लग रहा है कि ए बस का बी बस पर क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट नहीं आ रहे, वो अगर हम फॉर्मूले का यूज करें जो इन्फॉर्मेशन उसने दे रखी है, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट जो तू बात कह रहा है वो तभी होती है जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए था, पी ए इंटू पी बी आना चाहिए था, लेकिन जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर काम किया जाए तो 1/5 × 7/25 ये आता 7/125, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 9/50 है। तो भले ही उसने शब्दों में नहीं बोला, लेकिन उसने जो इन्फॉर्मेशन दिया उससे हम पता चल गया हमें कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, तो डायरेक्ट वो काम नहीं कर सकते, फिर हमें यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, और किसी को दिक्कत हो कोई? राहुल का है 40। कितनी बार टॉस किया गया 99 टाइम्स, तो ये बर्नौलीज ट्रायल वाला काम है, 99 बार एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार कर रहे हैं, 99 ट्रायल्स कर रहे हैं। एक्स का नंबर है, मतलब है नंबर ऑफ हेड्स। अब हमें एक्स की वैल्यू कितनी चाहिए, आर। अगर R हेड्स आ रहे हैं, मतलब 99 में से R हेड्स हैं, तो सिलेक्ट कर लेते हैं कि कौन से R सिक्कों पर हेड्स आएगा। टोटल 99 है
उसमें से आर का सिलेक्शन करवा कर बोल देंगे कि उन पर हेड्स आएगा, बाकी बचे हुए पर क्या आएगा, टेल्स आएगा। अब जिन पर हेड्स आ रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 की पावर आर, जिन पर टेल्स आ रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, 99 माइनस आर। तो ये बेसिकली बन गया 99 सी आर 1/2 की पावर 99। अब हमें इसको क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो इसको मैक्सिमम करने में सिर्फ जो रोल आएगा वो 99 सी आर का ही आएगा, क्योंकि 1/2 की पावर 99 तो कॉन्स्टेंट है। अब एनसीआर हम जानते हैं मैक्सिमम कब होता है, एनसीआर मैक्सिमम होता है मिडल टर्म पर। तो तरीका क्या होता है, 99 का आधा कर लेंगे, 99 का आधा होता है 49.5। तो आर फ्रैक्शन में तो आ नहीं सकता, इंटीजर ही होगा, तो 49.5 के एक तरफ 49 होता है, दूसरी तरफ क्या होता है 50। तो 49 या 50 अगर हम आर की वैल्यू लेंगे तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आ जाएगी, ये काम होगा बस। तो आंसर होगा इसका ए और बी। The probability that a radar will detect an object in one cycle is P. The probability that the object will be detected in n cycles is. अब इसके दो मतलब हैं। बाकी मैं समझ सकता हूँ तूने D किस तरीके से बोला, और मेरे हिसाब से वैसे D आना चाहिए। उसके लिए फिर इसको स्टेटमेंट बोलना होना चाहिए था nth साइकिल। मैं तुझे समझा देता हूँ, इसने जो आंसर दिया हुआ है बी दिया हुआ है ना इसने, तो इसके दो मतलब निकल सकते हैं इस क्वेश्चन के, कि या तो जो रेडार है वो डिटेक्ट करिए, किसको डिटेक्ट करिए, ऑब्जेक्ट को, तो या तो वो nth साइकिल में ही डिटेक्ट करेगी, उससे पहले नहीं कर पाएगी। वैसे मतलब तो ये निकलता है कि अगर एक बार डिटेक्ट कर लिया तो आगे क्यों फिर रेडार घूमेगी, याद में चलाएगा, लेकिन अगर उसके हिसाब से किया जाए तो nth साइकिल में कर रही है, तो इसका मतलब पहले n-1 साइकल्स में वो डिटेक्ट नहीं कर पाई, तो ना डिटेक्ट करने की 1-p प्रोबेबिलिटी है, n-1 तो ऊपर पावर n-1 आ गई, और आखिरी वाले में डिटेक्ट कर लिया तो p आ गया, ठीक है। और हाँ, वो मैं समझ गया था जो तू डी बोला मैं, कि तूने ऐसे ही किया, या फिर ये कह रहा है कि n साइकल्स में डिटेक्ट हो जाए बस, मतलब जैसे वो कल मैंने टूर्नामेंट वाली बात बोली थी कि अगर पता लग गया कि इंडिया सीरीज जीत रही है तब भी मैच होंगे, तो या तो ये वो वाला काम करवाना चाह रहे हैं कि एन साइकिल कंप्लीट करने ही करने हैं, भले ही पहले ही ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या होगा, बस हमें वन में से ये प्रोबेबिलिटी माइनस करनी होगी कि कभी भी डिटेक्ट नहीं हुई, कि एक भी साइकिल ऐसा नहीं आया जो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर पाया। तो डिटेक्ट ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1-p, कितने साइकिल में ऐसा काम हो रहा है, एन साइकिल में, तो ये आ गया। तो इसका मतलब कम से कम एक साइकिल में तो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो ही जाएगी, हो सकता है दो में हो जाए, हो सकता है चार में हो जाए, तो इसने इस हिसाब से आंसर दिया हुआ है। बाकी एक बात वो भी है कि अगर उसको nth साइकिल बोलना होता तो वो nth साइकिल बोल देता फिर। मेरे हिसाब से तो भाई ये देख मीत की, अगर मेरे पास मुझे टेस्ट देना होता और मेरे पास ये सवाल आता तो मैं तो ऊपर वाला करके आता, डी ऑप्शन। क्योंकि वही बात करते हैं जो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे नॉर्मली टूर्नामेंट के क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें पूरा करवाना पड़ता है अपने को, और नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें जैसे ही अपने पास डिटेक्शन हो गया उसी टाइम हम रोक देते हैं। बाकी वो ये इस चीज का मतलब वो निकाल रहे हैं, हम कुछ और निकाल रहे हैं, बाकी ठीक है, दोनों ही सही हैं अपनी जगह, मतलब मेरे पास और कुछ इसका है नहीं बोलने को। चलो बताओ और, बताओ और कौन सा डाउट है। तो बाकी सबने क्या किया था फिर, वैसे निकाला ही ऊपर वाला था, नीचे वाला था, या ऑप्शन देख के पता चल गया, आंसर देख के कि हाँ ठीक है यही होगा, मतलब ये करवाना चाह रहा होगा। चलो जो भी है, चलो और बताओ इस पेज पर कौन सा डाउट है, अगर कोई है तो। बढ़े आगे फिर, उम्मीद का है 46 में मैं बोला हुआ इफ ए बी सी आर थ्री नंबर्स नॉट नेसेसरीली डिफरेंट
chosen randomly and with replacement from the set 1, 2, 3, 4, 5. रिप्लेसमेंट के साथ अगर हमें पिक करने हैं तो इसका मतलब ये होगा कि एक ही नंबर दो बार आ सकते हैं, मतलब तीनों नंबर इक्वल भी हो सकते हैं, दो नंबर भी इक्वल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब हमसे कहा गया है कि ए बी प्लस सी कैसा नंबर हो? इवन हो। अब हमें इसमें अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे। पहला केस क्या हो सकता है कि या तो ए बी ओड हो, तो सी को भी क्या होना पड़ेगा, ओड होना पड़ेगा। अब अगर ए बी ओड है, दो नंबर का मल्टीप्लाई तभी ओड आ सकता है जब दोनों नंबर्स ओड हो, तो ए के ओड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब तीन ऑप्शन है 1, 3, 5, बी के ओड होने के चांसेस कितने, मतलब बेस कितने हैं, 3, और सी के ओड होने के भी चांस तरीके हैं 3, तो यहां से तो टोटल केसेस आ जाएंगे 27। पहला केस तो ये हो सकता है सिंपल वाला। इसके बाद नेक्स्ट केस ये हो सकता है कि हमारे पास ए बी जो है वो तो हो जाए इवन, तो सी को भी इवन होना पड़ेगा ताकि दोनों का सम इवन आ सके। लेकिन अब ए बी के इवन होने के अलग अलग तरीके हैं कि या तो ए इवन हो, बी इवन हो, और सी तो इवन है ही, ठीक है, इसको तो बाद में देख लेंगे, इस चीज की बात कर रहे हैं। या फिर क्या हो सकता है, ए इवन है, बी ओड है, या फिर हो सकता है ए ओड है, इवन है। ए और बी दोनों इवन होने का मतलब, इवन होने के कितने तरीके हैं, 2 और 4, यानी दो तरीके, बी के इवन होने के भी दो तरीके। यहां से बात करें तो कोई एक इवन है इनमें से, कोई एक ओड है, डिसाइड कर रहे थे 2 से कि कौन इवन है कौन ओड है, ये आ जाएगा 2। अब अगर ए इवन है तो इसके इवन होने के दो तरीके हैं, बी ओड है तो उसके ओड होने के 3 तरीके हैं। इन सबको अगर ऐड कर देंगे तो टोटल ए बी के इवन होने के तरीके आ जाएंगे 2 × 2 = 4 × 3 = 12 और 4 = 16। लेकिन अभी सी के इवन होने के वेज हमने मल्टीप्लाई नहीं करे, तो वो इंटू टू कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 32। तो इससे आंसर 32 आएगा, मतलब इससे वैल्यू 32 आएगी, इससे 27 आएगी, तो टोटल कितने केस हो गए अपने पास, 59 अपॉन, वैसे कितने केस आएंगे, एबीसी की वैल्यू डिसाइड करने के 5, 5 और 5 तरीके हैं, कोई भी वैल्यू डिसाइड कर ले, आंसर आ जाएगा 59/125, मतलब बी ऑप्शन, ठीक है। और बताओ अगर इस पेज पे कुछ रह गया तो। बढ़े आगे तो नेक्स्ट पेज पर हमारे पास, अच्छा 49 है तेरा भी राहुल, 39 में स्टेट का क्या मतलब है, ए एंड बी थ्रो वन स्टेक, अच्छा स्टेक का मतलब होता तो भाई ये है कि जो पैसा लगा होता है, जैसे मान ले जब शर्त लगाई जाती है तो एक जिसको पूल कहते हैं, हाँ जो इनाम है एक तरह से, पूल कहते हैं कि इसने रुपए डाले, इसने रुपए डाले। अब स्टेक ऑफ रुपीस 99 का मतलब शायद ये कि जो टोटल अमाउंट 99 है अपने पास, उसकी बात कर रहे हैं कि जो जीत गया उसको 99 रुपए मिल जाएंगे जीतने। राहुल ने पूछा था 49 में देख भाई क्या बोला, विद द प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, ए बी एंड ए यूनियन बी आर रिस्पेक्टिवली इन ए बी विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड टर्म इक्वल टू द कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर द इवेंट्स ए एंड बी आर, तो बी ए इंटरसेक्शन बी जो है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो मान लेते हैं पी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगी वो पी प्लस पी 2p हो जाएगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होगी वो 3p हो जाएगी। ये बात समझ में आए, 0 से चालू क्यों करें पहली बात तो, क्योंकि इसने बोला जो सेकंड टर्म है वही कॉमन डिफरेंस है, तो सेकंड टर्म पी में से अगर कॉमन डिफरेंस पी माइनस करते तो वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसकी 0 है।
तो ए की प्रोबेबिलिटी पी, बाद में पी पी ऐड करते रहे कि ए पी बन गई अपने आप। तो ए की प्रोबेबिलिटी पी है, बी की प्रोबेबिलिटी टू पी है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि डी ऑप्शन में लिखा हुआ है सच दैट वन इज ट्वाइस एज लाइकली एज द अदर, एक के होने के चांस दूसरे के कंपैरिजन में डबल है। तो सही बात है वो, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। इंडिपेंडेंट है नहीं क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई ए इंटरसेक्शन बी के बराबर नहीं आ रहा। फिर इसने बोला सच दैट वन ऑफ देम मस्ट अकर, वन ऑफ देम मस्ट अकर का मतलब ये होगा कि ए यूनियन बी जो है उसकी प्रोबेबिलिटी वन आ जाती, लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है कि थ्री बी वन होगा या नहीं होगा। पैटिबल का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में पता नहीं यार, कंपैटिबल मैं पहले बार सुन रहा हूँ। कंपैटिबल का मतलब शायद ये कहना चाह रहे, जैसे जो नॉर्मल नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो हम वर्ड यूज करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं एक तरह से। तो अगर वही मतलब यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं, हाँ कंपेटिविटी बिटवीन पीपल पता है, तो हाँ बस वही कि दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं नहीं, जो मुझे मतलब लग रहा है इसका। बाकी प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में तो मैंने भी कभी सुना नहीं मैथमेटिकल टर्म्स में। तो अगर वही मतलब है तो इसका मतलब बेसिकली ये पूछना चाह रहा था कि ए इवेंट और बी इवेंट एक साथ हो सकते हैं या नहीं, तो वो नहीं हो सकते क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जीरो आ रही है। बाकी मेरी ये पूरी बात मत मानना, मैं ढूंढ के बता दूंगा, हो सकता है कि मुझे ना पता हो कंपेटिबिलिटी का एक्चुअली कोई मतलब होता हो, बाकी मुझे लगता नहीं ऐसा है, और शायद वही मतलब निकालना चाह रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से भी आंसर जीरो आ रहा है। बाकी अगर कुछ और होता होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, अगर नेक्स्ट क्लास में मुद्दा ना उठाऊं तो मान लेना कि जो बोले सही बोले। ठीक है, और बताओ कौन सा डाउट है इस पेज पर अगर कुछ है तो। सर 47th में आपने जो सेकंड वाला आंसर बताया, अब आंसर वही लग रहा है, एज एन साइकिल नहीं बोला उसने। हाँ मैं तो कह रहा हूँ, मैंने सारे मुद्दे उठा दिए कि भाई ऐसा ऐसा होता तो ये होता वो होता। बाकी नॉर्मली रेडार वगैरह वालों में ये होता है कि अगर एक में डिटेक्ट हो गया तो हो जाना चाहिए। चलो और बताओ अगर कुछ बचा है तो, नहीं तो फिर नेक्स्ट पेज पर आओ। इसमें है जेई एडवांस वाले क्वेश्चंस, और क्वेश्चन नंबर है इसमें 1 से लेकर 12 तक। बोलो भाई इसमें कोई डाउट है तो। क्रिश का है सेकंड। अ बैग कंटेन 7 टिकट्स मार्क्ड विद द नंबर्स 0 टू 6 रेस्पेक्टिवली, अ टिकट इज नॉट एंड रिप्लेस्ड। Then the chance that after 4 drawings the sum of the numbers drawn is 8 is, हमने एक बैग है उसमें टिकट्स पड़ी हैं 0 से लेकर 6 तक के नंबर की, हमने उसमें से 4 टिकट ड्रॉ करी, हर टिकट पर नंबर होगा, जैसे मान लेते हैं इस पर x है, इस पर y, इस पर z और इस पर w, इन चारों टिकट्स का जो सम है वो 8 आएगा। दूसरी बात ध्यान देने वाली बात ये है कि टिकट जो निकाली है उसको रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब एक ही नंबर की टिकट बार बार निकल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नंबर्स रिपीट कर सकते हैं बेसिकली। अब हमें कहा गया है कि इन चारों का जो सम है वो कितना आना चाहिए 8, तो यहाँ पर मल्टीनोमियल थ्योरम लगा लेंगे कि 8 आइडेंटिकल टॉफी हैं, उनको 4 लोगों में बांटना है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू में, और किसी भी बच्चे को हो सकता है हम एक भी टॉफी ना दें क्योंकि जीरो वैल्यू पॉसिबल है, जीरो नंबर की अगर टिकट आई मतलब उस बच्चे को एक भी टॉफी नहीं मिली। तो 8 टॉफी को 4 लोगों में बांटने के कितने तरीके होते हैं, 8 + 4 - 1 = 4 - 1। लेकिन इसमें हमारे पास वो केसेस भी आ गए जब किसी एक नंबर की वैल्यू 6 से बड़ी चलेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम 0 से 6 ही बना सकते हैं, तो वो वाले केसेस माइनस करने पड़ेंगे। जब किसी टिकट की वैल्यू या तो 7 चलेगी या 8 चलेगी, तो हम क्या करेंगे, चारों में से कोई भी एक टिकट सिलेक्ट कर लेंगे 4C1 से। मान लो हमने डिसाइड कर लिया कि ये वाली वो टिकट है या वो ये वो बच्चा है जिसको 6 से ज्यादा टॉफी मिल रही है, तो मैंने क्या करा 8 में से 7 टॉफी निकालकर इसको दे दी, किसको, वाई को, जो बच्चा सिलेक्ट हुआ है। अब कितनी टॉफी बची, एक टॉफी बची, उस एक टॉफी को बांटने के 4 तरीके होंगे। अगर वो टॉफी एक्स के पास चली गई तो इसका मतलब एक्स को 1 वैल्यू मिली, वाई को 7, जेड को 0, डब्ल्यू को 0, तो जो 7 वाला केस था 6 से ऊपर वाला वो केस माइनस हो गया। अगर ये वाली टॉफी भी जो हमने बनाई अभी
सात तो बांट ही चुके, जो ये वाली एक टॉफी है वो भी वाई को मिल गई, तो वाई के पास कितनी टॉफी होगी, आठ, वो वाला केस भी इसी में माइनस हो गया। तो ये हमारे पास फेवरेबल केस होंगे। टोटल केस तो क्या है, एक्स की वैल्यू डिसाइड करने के सात तरीके, जीरो से लेकर सिक्स तक, वाई के लिए भी सात, जेड के लिए भी सात और डब्ल्यू के लिए भी सात, तो 7 की पावर 4। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कुछ ना समझ में आया हो इसमें, कोई दिक्कत हो, और अगर आ गया समझ तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कौन से, और अगर किसी ने ये करा हो उससे आंसर ना आया तो वो भी बता दो, कैलकुलेशन करके देख लेंगे। सिक्स्थ में नेसेसरी है क्या सर कि 9 आना ही चाहिए? पढ़ने दे भाई, 15 को पर्सनल नंबर रिस्पेक्टली 7 को पर्सनल सिलेक्टेड एंड 180 टाइम इज रिप्लेसमेंट टू द लार्जेस्ट नंबर अपीयरिंग ऑन सिलेक्टेड कूपन इज 9। हां 9 आना ही चाहिए भाई, तभी तो लार्जेस्ट नंबर होगा ना, वो आना चाहिए। क्रिश कह रहे हैं माइनस वाला नहीं आया सेकंड में। भाई देख, मैंने ये कहा कि जब मैंने 8 टॉफी को 4 लोगों में बांटा है, वो तो तेरी समझ में आ ही गया। तो जब हम ये काम करते हैं तो हम ये केसेस भी लेकर चलते हैं कि हो सकता है कि किसी बच्चे को एक भी टॉफी ना मिले, हो सकता है एक ही बच्चे को सारी टॉफी भी मिल जाए, ठीक है? तो जब मैंने ये काम कर दिया, अब किसी बच्चे को एक भी टॉफी ना मिले उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीरो नंबर की टिकट हमारे पास आ सकती है। तो अगर एक्स को मान ले मैंने जीरो वैल्यू दे दी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जीरो वाली टिकट बाहर आ गई। प्रॉब्लम तब आएगी जब हमने एक ही टिकट पे सिक्स से बड़ा नंबर डाल दिया, क्योंकि मैंने तो अभी सम 8 तक की है। हो सकता है इसमें ये भी पॉसिबिलिटी आ गई हो कि एक्स की वैल्यू 1 हो गई हो, वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 7 और डब्ल्यू की वैल्यू 0, अब भी सम 8 आएगा। लेकिन ये केस पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टिकट मैक्सिमम 6 नंबर की आ सकती है, हमने 7 नंबर की बना दी, तो ये वाले केसेस हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो 6 से बड़े जो जो पॉसिबिलिटी है, 7 आ सकता है किसी नंबर पर, हो सकता है किसी नंबर पर 8 आया हो, 8 से बड़ा तो आ ही नहीं सकता क्योंकि सम ही 8 है ना। तो 7 और 8 वाली जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको माइनस करना पड़ेगा, या तो हम टुकड़ों में कर लें या फिर डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। कैसे? पहले मैंने डिसाइड कर लिया कि चारों में से कौन सा नंबर है जिसको बड़ी वाली वैल्यू मिल रही है, तो 4C1 से डिसाइड हो गया कि वाई वो वैल्यू है जिस पर 6 से बड़ा नंबर आ रहा है। तो 6 से जस्ट बड़ा नंबर कितना है, 7 है, तो हमने इसकी वैल्यू सेट कर दी 7, या कह ले 8 टॉफी थी उसमें से वाई वाले बच्चे को 7 टॉफी बांट दी। अब हमारे पास बची 1 टॉफी, उस 1 टॉफी को बांटने के 4 अलग अलग तरीके हैं, या तो उसको मैं एक्स को दूंगा, या वाई को, जेड को, या डब्ल्यू को, तो इंटू 4 कर दिया। अब मैंने कहा कि वो अगर एक वाली टॉफी वाई के पास चलेगी, 7 उसके पास पहले से थी, अब टोटल कितनी होगी, 8, तो 8 वाला केस माइनस करना था, वो इसमें आ चुका है इंटू 4 करके। जब अगर वो वाई वाली टॉफी, जो एक टॉफी बची है, वो वाई के अलावा मान ले किसी के पास भी चलेगी, जेड के पास चलेगी, तो जेड के पास 1 टॉफी होगी, वाई के पास 7 होगी, तो 7 वाला केस भी इसमें इंक्लूड हो चुका है जो माइनस किया, वो भी नहीं चाहिए था, वो भी माइनस हो गया, तो हमारे पास फेवरेबल केस आ गए। ये बात हुई है, ठीक है? और बताओ इस पेज पर अगर किसी का डाउट बचा हुआ है, 8वां मत पूछना यार, कोशिश करना 8वां। हो गया भाई 8वां वैसे तुम्हारा, चलो बताओ जो भी डाउट है, मतलब 8वां भी है तो। और नहीं है तो फिर अगले पेज पर बढ़ते हैं। जो बायस्ड है वो कितने, एक, और उसके दोनों फेसिस पर हेड सी आ रहे, इसके बाद बोला वन ऑफ दिस कॉइंस इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड टॉस्ड, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉस्ड रिजल्ट्स इन हेड इज 7/12 द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें कहा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालने की जो है वो 7/12 है, तो या तो ये वाला कॉइन सिलेक्ट हुआ होगा नॉर्मल वाला, इसके सिलेक्ट होने के वेस है प्रोबेबिलिटी है n/1, इस पे हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2+, या फिर ये बायस्ड वाला सिलेक्ट हुआ होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/n+1, इस पर हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि हेड्स ही आएगा और कुछ तो आ नहीं सकता 7/12। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपने पास कितना, आ जाएगा
प्लस टू अपॉन टू इंटू एन प्लस वन इक्वल टू सेवन बाई ट्वेल्व सिक्स होता जाए तो मल्टीप्लाई होगा तो सिक्स एन प्लस ट्वेल्व इक्वल टू सेवन एन प्लस सेवन तो एन की वैल्यू आ जाएगी फाइव। क्या दिया हुआ देख लो भाई, हो सकता है मेरी भी कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हो। सबका यही आ रहा है क्या वैसे? बाकी भाई प्रांशुल कह रहे सर क्वेश्चन नंबर गलत दिया हुआ। हाँ यार, ये मुझे सूर्या भी बता रहा था, पिछले साल का भी मुझे याद आ रहा है, दो तीन साल पहले का। इसमें हाँ कुछ गड़बड़ है एडवांस ऑब्जेक्टिव में, अब ये नहीं पता कहाँ से स्टार्ट होती है वो। जैसे इसमें तुम देखोगे 28 सवाल हैं और 27 सवालों के आंसर लिखे हुए हैं। मीत कह रहे सर 10th क्वेश्चन मिसिंग है ना, उसकी से गड़बड़ है, 9th के बाद 11 दिया हुआ है। अच्छा 9th के बाद 11th है तो 12th एक्चुअली 11th का काम कर रहा है, तो शायद ये हो रहा है इसमें। बाकी एक बार चेक कर लेना अपने आंसर्स के थ्रू, शायद ये हो रहा है। 9th तक तो सही है, 1 to 9। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर एन है तो आंसर की में तुम्हें एन माइनस वन की आंसर चेक करना है। जैसे अगर 12th क्वेश्चन है तो 11th का आंसर चेक करोगे। हाँ फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ठीक है, तो शायद वो तो फिर सबकी दिक्कत आई होगी, हर क्वेश्चन में ही आई होगी फिर वो। तो चेक कर लेना, मुझे भी नहीं पता, शायद ऐसा होगा। जब तुम कह रहे हो कि 10th क्वेश्चन मिसिंग है तो, और उसने आंसर की में लगातार दिए हुए तो एक एक का डिफरेंस आ गया होगा पूरे में, तो उसके हिसाब से ए ही आंसर दिया हुआ है तो सही दिया हुआ है बस वो। और बताओ अगर इस पेज पर कोई डाउट रह रहा है किसी का तो। किसी का है 11th, किसी इन होस्ट रेस देयर आर 18 होस्ट नंबर्ड फ्रॉम 1 टू 18 द प्रोबेबिलिटी दैट होस्ट 1 वुड बी इज 1 बाय 6। होस्ट 2 की है 1 बाय 10 और 3 की है 1 बाय 8। Assuming a tie is impossible, the chance that one of the three horses wins the race is, तो इनमें से कोई एक ही जीतना चाहिए और टाई तो इम्पॉसिबल है, तो या तो क्या होगा जो पहले वाला हॉर्स है वो जीतेगा, उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 1 बाय 6। जो सेकंड वाला हॉर्स है वो ऑब्वियसली हारेगा। एक मिनट रुको, इसका आंसर ये आ जाना चाहिए बस 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 8। क्या आंसर नहीं आ रहा उस? ये आ जाना चाहिए बस 8 6 48 और 480। 480 से छोटा क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा और आ जाएगा 20। सैतालीस, 47/120 ये आ जाना चाहिए। ये दिया होगा, चेक करो पीछे 10th का सी दिया होना चाहिए। हाँ ठीक है, ये दिए। तो किसका डाउट था भाई? वो डॉट 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 जो भी है NM चिराग भाई, देख ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1 बाय 6 है, उसकी बी टू वाले की 1 बाय 10, सी वाले की 1 बाय 8, तो बस उनको ऐड कर दिया कि या तो वो जीतेगा या वो जीतेगा या वो जीतेगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, टाई तो इम्पॉसिबल है। तो अगर ए वन वाला हॉर्स जीत रहा है और हमने 1 बाय 6 लिख दिया, तो 2 वाला और 3 वाला ऑलरेडी हार चुके हैं, वो उस चीज में इंक्लूडेड है।
तो वो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो मैं पहले करना चाह रहा था। तो हमें डायरेक्ट इनको ऐड कर देना होगा बस, या तो वो या वो या वो। ठीक है, और बताओ अगर इस पेज पर कुछ है तो। एट्थ भी है, पूछ लो भाई। वैसे हालांकि पढ़ने में 10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन है तो पूछ लो। वैसे बढ़े अगले पेज पर। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर तुम्हारे पास क्वेश्चंस हैं। हाँ यही करना है, 11th का आंसर देखने के लिए 10th का देखना है पीछे। अब नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चंस हैं तुम्हारे पास 13 से लेकर 23 तक। इसमें कोई डाउट्स हैं तो बोलो। करे हुए ना यहां तक, पूछा है 20th, 20th में बोला ट्रैफिक लाइट रन्स रिपीटेडली थ्रू द फॉलोइंग साइकिल, ग्रीन फॉर 30 सेकंड्स, देन येलो फॉर 3 सेकंड्स, एंड देन रेड फॉर 30 सेकंड्स। तो रिपीटेडली एक साइकिल सा चल रहा है अपने पास ऐसे से। तो पहला क्या हो रहा है? हमारे पास बोले कितने सेकंड के लिए ग्रीन है, 30 सेकंड के लिए तो ग्रीन है। तो इसके बाद बोले 3 सेकंड के लिए रेड है, मान लो ये रेड वाला आ गया। नहीं सॉरी, येलो था 3 सेकंड के लिए, अंदर then red for 30 seconds। ऐसा सा कुछ दिया हुआ है, मैं इस तरीके से साइकिल चला रहा हूं। तो इसने बोला है कि हमने 3 सेकंड उठाए हैं, रैंडम 3 सेकंड इंटरवल टू वॉच द लाइट, व्हाट इज द पॉइंट दैट द कलर चेंजेस व्हाइल शी इज वॉचिंग, कि कलर चेंज हो जाए इस तरीके से। तो इनको नंबरिंग दे सकते हैं अपने, जैसे यहां पर क्या होगा 1 2, यहां पर 1 होगा, 2 होगा, 3 4 चलता जाएगा, यहां पर 30 सेकंड आ जाएगा। येलो वाले में क्या क्या आएंगे, 31 आएगा, 32 आएगा, 33 आएगा, और फिर रेड वाला चालू हो जाएगा 34 से, और ये कहां तक जाएगा 63 तक। ये टोटल 63 सेकंड्स का साइकिल चल रहा है। अब 3 सेकंड का इंटरवल उठाना है कि हमारे पास जो कलर है लाइट का वो चेंज हो जाए। तो वो कैसी कैसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो ग्रीन वाले का 30 आ जाए, जो येलो वाला है उससे 31, 32, तो 30 पर हमारे पास 30 से 31 जाने में लाइट चेंज हो जाएगी, या फिर हो सकता है 29, 30 और 31, तो 30 से 31 जाएंगे तब भी लाइट चेंज हो जाएगी। तो ग्रीन से येलो की तो ये पॉसिबिलिटी है। अब येलो से रेड की पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैसे हो सकती है, 33 तक येलो है ये ध्यान रखना, तो 33, 34, 35, तो 33 से 34 जाएंगे तो लाइट चेंज हो जाएगी येलो से रेड, या फिर हो सकता है 32, 33 और 34। जब 32 से 33 जाएंगे, सॉरी 33 से 34 जाएंगे तब भी हमारे पास लाइट चेंज हो जाएगी येलो से रेड, जहां पर बार लगा रहा हूं वहां वहां लाइट चेंज हो रही है, या फिर रेड से ग्रीन आ सकते हैं। रेड से ग्रीन कब आएगा, जब मैं 63 1 और 2 लिखूंगा, तो 63 से 1 जाने में लाइट चेंज हो जाएगी रेड से ग्रीन, वो आ जाएगा। और या फिर हमारे पास आ जाएगा फाइनली कौन सा, 62 63 और 1, तो दोबारा लाइट चेंज हुई रेड से ग्रीन, दो बार लाइट चेंज करवा नहीं पाएंगे अपने, तो ये आ जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, टोटल केस हम निकाल ही सकते हैं। 3 कंसेक्यूटिव उठाने हैं, अब वो जो 3 कंसेक्यूटिव उठाने हैं, या तो मैं 1 से उठाऊंगा, 2 से उठाऊंगा, या 3 से उठाऊंगा, इस तरीके से उठाएंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ भाई हो जाएगा, बाकी चेक कर लो, अगर कोई केस एक आध छूट गया तो देख लेते हैं। सही
सर जब 27 प्लस एच से 30 प्लस एच जाएगा वेयर एच टेंड्स टू जीरो, तब भी तो होगा ना चेंज कलर। बच्चे वो इतना वो नहीं कर रहे फिर अपने, एक सेकंड पर ही काम कर रहे हैं अपने। अगर वो आ गया तो फिर अपने को ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ेगी, हम एक इंडिविजुअल सेकंड से मतलब दूसरे सेकंड जा रहे हैं 30.5। ऐसे तो फिर वो भी आ सकता है कि अगर मैं 30.5 से लेकर 32.5 तक जाऊं तब भी चेंज हो जाएगा, 30.6 से लेकर 32.6 तक जाएं तब भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और बताओ इस पेज पर कौन सा डाउट है? बाकी देख लेना अगर इसमें कोई केस छूट गया मेरे से, अगर तो वैसे आ जाना चाहिए इससे आंसर। प्रांशुल का है 19th। अ लेट इज नोन टू हैव कम आइदर फ्रॉम, क्या लिखा हुआ है, कृष्णगिरी। कितने लेटर भाई इसमें, 11 लेटर हैं इसमें, और या फिर यह है धर्म धर्मापुरी। इसमें कितने लेटर्स हैं? इसमें 10 है। तो एक लेटर या तो उससे उठाया गया या उससे उठाया गया। ऑन द पोस्ट मार्क ओनली, अच्छा वो शहरों से आया। अच्छा लेटर, वो वाला लेटर नहीं कह रहा, खत की बात कर रहा है वो। ऑन द पोस्ट मार्क ओनली टू कंसेक्यूटिव लेटर्स आर आई आर विजिबल, देन द चांस दैट इट केम फ्रॉम कृष्णगिरी इज। तो हमें पोस्ट मार्क पर जो लेटर्स हैं सिर्फ दो लेटर दिख रहे हैं, उसमें बीच में कहीं पर आर आई। तो पहले तो आर आई दिखने की पॉसिबिलिटी चेक करते हैं क्या होगी। तो या तो जो कृष्णगिरी वाला जो लेटर है वो कृष्णगिरी से आया होगा, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब इसमें आर आई के कितने जोड़े बन सकते हैं, एक तो आर आई यहां से दिख सकते हैं या फिर आर आई यहां से दिख सकते हैं। तो आर आई दिखने के कितने तरीके होंगे, दो तरीके होंगे। अच्छा अब दो लेटर दिख रहे हैं, दो कंसेक्यूटिव लेटर उठाने के क्या क्या तरीके हैं। या तो हम के आर उठाएंगे या फिर आर आई उठाएंगे या फिर आई एस उठाएंगे। चलता जाएगा कहां तक, चलेगा आर आई तक, दो कंसेक्यूटिव, पहले फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ, इस तरीके से। तो अगर 11 लेटर हैं तो दो दो कंसेक्यूटिव लेटर उठाने के कितने तरीके होंगे, 10 तरीके होंगे। ये आ जाएगा प्लस, या फिर वो जो लेटर है वो धर्मपुरी से आया होगा 1/2। अब यहां से आर आई दिखने का कितना तरीका है, एक ही तरीका है, इंटू में बन आ जाएगा अपॉन में। अब यहां पर 10 लेटर हैं तो दो कंसेक्यूटिव लेटर्स उठाने के एक कम तरीके होते हैं, यानी 9 तरीके होंगे, 1/9 आ जाएगा। ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी हुई आर आई के दिखने की। अब हमें बताना है कि कृष्णगिरी से आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कृष्णगिरी वाली प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 2/10 ऊपर रख देंगे, यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1/5, 1/5 प्लस 1/9, तो ये आ जाएगा 9/14। सी आंसर आ जाएगा। सर ये तो गिवन है कि हमें आर आई दिख रहा है लेटर पे, तो ये गिवन दैट वाली चीज नहीं हो जाएगी। हाँ वही चीज तो है, बेस थ्योरम लगाइए बेसिकली, कि आर आई वाली दिख रही है तो जो चीज पता है हमें हो चुकी है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे लिख दी, यानी वो नया सैंपल स्पेस हो चुका है, और उसमें से जिसकी चाहिए वो ऊपर रख दी, वही चीज की हमने। चिराग का है 16th। 16th में बोला है देयर आर 4 अर्न्स, द फर्स्ट अर्न कंटेन्स 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक बॉल। द सेकंड अर्न कंटेन्स 2 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। द थर्ड अर्न कंटेन्स 3 व्हाइट एंड 5 ब्लैक।
and the fourth one contains 4 white and 7 black. The selection of each urn is not equally likely. The probability of selecting ith urn is I square plus 1 upon 34. इसको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 plus 1 upon 34 यानी 1 upon 17. दूसरे वाले को होगी 2 का स्क्वायर 4 plus 1 5 upon 34. इसको 2 upon 34 ही लिख लेना, बाद में 34 कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा, कट जाएगा. अगले वाले की है 3 का स्क्वायर 9 plus 1 10 upon 34 और इसकी हो जाएगी 16 plus 1 17 upon 34. If we randomly select one of the urns and draw a ball, then the probability of ball being white is. White निकलने की probability निकालनी है. तो या तो हमने पहले वाला urn select करा होगा, तो 2 by 34 आ जाएगा. यहाँ से white निकलने की probability है 1 by 2. या फिर हमने second वाला select करा होगा, तो 5 by 34. यहाँ से white निकलने की है, 2 white है, total 5 ball है, तो 2 by 5 plus. अगले वाला urn select होने की probability है 10 by 34. इसमें व्हाइट 3 है, टोटल 8 बोले तो इनटू 3/8. अगले के लिए आ जाएगा 7/34 और इनटू में आ जाएगा 4/11. ये मेहनत तुम्हें करनी है, मैं करूंगा भी नहीं है. इन सबको ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा. ठीक है, कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही. बाकी इस पेज पर जो डाउट बचे हैं और नेक्स्ट पेज पर 28 तक जो क्वेश्चंस हैं उसके डाउट नेक्स्ट क्लास में लेंगे. और नेक्स्ट सेक्शन तुम्हें पता ही है कि जेई मेन सब्जेक्टिव और उसके बाद जेई एडवांस सब्जेक्टिव, तो उस ऑर्डर में करके रख लेना आपने. ठीक है, चलो बाय.